नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों ने और मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे ये सवाल किया था कि वो कौन सा कैमरा ख़रीद सकते हैं जो उनकी रेंज में भी हो और जो थोड़ा चलाने में भी इजी हो। तो मैंने उन सभी कैमरों की एक लिस्ट बनाई है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला कैमरा जो आता है वो सोनी A7 III। ये दोनों वीडियो और फ़ोटोज़ के लिए अच्छा है, फुल फ्रेम कैमरा है। फुल फ्रेम मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, लेकिन फुल फ्रेम हो तो बेटर है। फुल फ्रेम है और फ्लिप स्क्रीन है। आप देखिए, आप इसको जैसे आप लो एंगल यूज़ कर रहे हैं तो आपको व्यू फाइंड में देखने की जरूरत नहीं है, लेट नहीं जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ फ्लिप स्क्रीन यूज़ कर सकते हो। एंड हायर एंगल के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, सो यू कैन सी लाइक दिस। ओके, एंड 4K रिकॉर्डिंग है, 100p पे कर सकते हैं, जिसका मतलब हम स्लो मोशन भी इसमें कर सकते हैं। इंटरचेंजेबल लेंस ऑब्वियसली, सो आप लेंस चेंज कर सकते हो किसी का भी। 4K 100p पे शूट कर सकते हैं। 4K 100p का मतलब है कि हम उसको बाद में स्लो कर सकते हैं और हम इन कैमरा भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बाद में समझाऊंगा। पर फ़िलहाल दिस इज़ माय फर्स्ट कैमरा। ये 24 मेगापिक्सल का है और फुल फ्रेम कैमरा है। नेक्स्ट कैमरा इन माय लिस्ट इज़ A7C। A7C जो है, A7C 1049 का आपको मिल सकता है UK में, 1049 pound। ये भी 24 मेगापिक्सल का कैमरा है। A7C में डिफरेंस ये है, दोनों ही फुल फ्रेम कैमरा है। A7 III और A7C दोनों ही 24 मेगापिक्सल हैं और दोनों ही 1000 के करीब हैं। एक 1049 का है और एक 1029 का है। सो जो, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप APS-C जो क्रॉप वाले होते हैं वो कैमरा ले सकते हैं, दैट इज़ A6600। A6600 इज़ ओनली फॉर 779 पाउंड। जो APS-C कैमरा होते हैं जैसे 6600, वो 779 पाउंड का है, 779 पाउंड। UK में एक बहुत अच्छी शॉप है, मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, वहाँ से कैमरास बहुत सस्ते मिलते हैं, मैं वहीं से लेता हूँ। एक कैमरा जो है APS-C कैमरा जो क्रॉपी है, वो सोनी ZV-E10, सोनी ZV-E10 कैमरा, वो स्पेशली व्लॉगर के लिए ही बना है। ये आपको सिर्फ 550 पाउंड में, 550 पाउंड में UK में मिल सकता है, जिसके साथ एक 16-50mm लेंस है, 16-50mm लेंस। हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किट लेंस लें। किट लेंस क्या होता है, जो कैमरे के साथ वो ऑफ़र पे देते हैं, वो आपको काफ़ी अच्छी डील में देते हैं, पर मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों, उसका रीज़न ये है, अब जैसे मेरे पास ये है 28-75 लेंस, तो इसकी जो रेंज है 28-75 की है, पर इसका जो एपिचर है वो 2.8 है। तो मैं बात कर रहा था कि हमें किट लेंस क्यों नहीं लेना चाहिए। किट लेंस में ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि वो उनका जो एफ स्टॉप होता है वो 3.5-6.3, 3.5-5.6 होता है। आपका भी देखना लेंस के सामने ऊपर कहीं लिखा रहेगा, वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। तो जैसे ये लेंस है, इसको मैं चाहे जूम इन करूँ, जूम आउट करूँ, इसका जो एफ स्टॉप है वो 2.8 पे रहेगा, मैं चाहे इसको जूम इन करूँ या जूम आउट करूँ। लेकिन जो किट लेंस होते हैं उसको जूम इन जूम आउट करने से, उसको अगर आप 3.5 पे शूट कर रहे हो, जूम इन करोगे तो वो
5.6 पे चला जाएगा या फिर 6.3 पे चला जाएगा तो वो फिल्म और पिक्चर डार्क हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों मैंने चार कैमरों के बारे में बताया, A7 III जो थोड़ा पुराना मॉडल है लेकिन बहुत अच्छा कैमरा है, सो A7C नया मॉडल है वो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास £1000 का बजट है कैमरा ख़रीदने का। और ये मत भूलना कि हमें उसके साथ एक लेंस भी लेना है, लेंस किट लेंस ले सकते हो शुरुआत के दिनों के लिए, बट अगर आप पास बजट है अगर आप मेरी मानो तो किट लेंस ना ले, जो रेंज होती है लेंस की थोड़ा वाइड चाहिए, 16 या 18 से स्टार्ट कर सकते हैं और 28 भी बुरा नहीं है, सो 28 55 हो 70 हो 75 हो दे ऑल गुड रेंज। तो अब हम बात करते हैं लेंस की, लेंस सभी लेंस की जो रेंज होती है वो उसके आपको टेलीफोटो लेंस चाहिए, मिड रेंज चाहिए या फिर वाइड चाहिए। अब जैसे आप घर के अंदर कर रहे हैं, आई एम शूटिंग एट द मोमेंट ऑन 55 mm, सो विच इज़ प्राइम लेंस, इट डजंट जूम इन जूम आउट, इट जस्ट लाइक फिक्स लेंस, वी कॉल दिस फिक्स लेंस, वी कॉल दिस प्राइम लेंस। तो 55 आई एम अबाउट 2.5 meters फ्रॉम द कैमरा, सो दिस इज़ द रेंज यू विल गेट इन 55 mm। पर अगर आपके घर में इतनी जगह नहीं है कई बार हमें, सो आपके पास 35 भी अच्छा रहेगा, बट प्राइम लेंस जो है वो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं और थोड़े सस्ते भी होते हैं जूम लेंस के हिसाब से। जूम लेंस में ऐसा है कि आपको चेंज नहीं करना पड़ता है लेकिन उनकी क्वालिटी प्राइम लेंस जैसी कम होती है, अगर आप वो क्वालिटी लेने जाओगे तो बहुत महंगा होएगा। तो अगर आप बहुत अच्छी फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो आप 50 mm से स्टार्टिंग कर सकते हैं, 50 mm काफ़ी ऑल राउंड परफॉर्मेंस देता है, 50 mm इज़ द बेस्ट लेंस इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर, 50 mm बहुत अच्छी रेंज का लेंस होता है जिसमें आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, जिसमें आप मिड रेंज के शॉट्स किसी चीज़ के भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट के कर सकते हैं, व्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको वो नज़दीक, अगर आपको लगता है कि आपका घर थोड़ा आपके पास इतनी जगह नहीं है तो आप 35 ले सकते हैं और जूम लेंस भी ले सकते हैं जिसमें, बट कोशिश करना कि उनका जो एफ स्टॉप है वो बराबर रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए कोई भी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट, आई विल रिप्लाई, थैंक यू।